अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर ऑफिस से होंगे, अल्लाह पाक का बड़ा करम। मैं भी बिल्कुल ठीक, और आप सब भी अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने जुबान में रखे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अच्छा जी, आज ये दो चार बातें वो बहुत ज़रूरी हैं आपसे क्लियर करने के लिए। सबसे पहली बात ये कि जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, सितारा सिस्टर ने अपनी लाइफ के बारे में क्या सबसे बड़ा फ़ैसला किया है। उसके बाद दिलभर भाई ने जो आज की अपनी वीडियो में बात की है, उसको भी मैं आज क्लियर करूंगा। तीसरे नंबर पे काफ़ी सारे कमेंट्स में आपने मुझे बोला कि आपके पास जो है ना बातें सही पता नहीं होती हैं, आपने गलत बात की है, और आंटी को वहाँ पे तशद्दुद किया गया है, उनके ऊपर अंकल ने जो है ना काफ़ी सख्ती की हुई है। ये सब बातें आज क्लियर करूंगा, मगर उसके लिए आप सबसे फिर वही काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि बातें तहम्मुल से सुने, वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको उन चीज़ों का पता चलेगा। आप या तो वीडियो हाफ देखते हैं, या तो आप स्टार्टिंग की कुछ बातें सुन के फिर फ़ौरन कमेंट्स पास कर देते हैं, तो इस तरह नहीं होगा। देखें, जो सितारा सिस्टर के सपोर्टर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस देखते हैं, खुदारा पहले वीडियो को थोड़ा कंप्लीट देखें। 5-6-7 मिनट की वीडियो होती है, उसको आप कंप्लीट देखें। उसके बाद आपके पास राय का हक है, आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, कोई हिचकिचाहट नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं आप सबको रिप्लाई भी करता हूँ, उन चीज़ों का जवाब भी देता हूँ। तो जो नए देखने वाले दोस्त हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें। सितारा सिस्टर के जो सपोर्टर्स हैं काइंडली, वो भी जो देख रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ, जो असल बातें हुई हैं। सबसे पहली बात जो स्टार्ट करते हैं, वो सितारा सिस्टर के टॉपिक के ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सितारा सिस्टर का कल का आपने व्लॉग देखा, उस व्लॉग के अंदर उन्होंने खुद क्लियर किया, हमने तो नहीं देखा ना, हमने तो नहीं बोला उनको कि भाई आप क्लियर करें या जो भी मामलात हैं। उन्होंने खुद से कहा कि देखें, अब मेरे शोहर को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो अपनी यहाँ तो प्रॉपर जॉब करें, ये उन्होंने अपने व्लॉग में कहा है, या फिर हमें प्रॉपर टाइम दें, क्योंकि उनका हक है, उनके बच्चे हैं, राइट है। तो उनको जाहिर सी बात ये महसूस होता है कि मेरे बच्चों की एजुकेशन में जो है काफ़ी डिस्टर्बिंग आती है, काफ़ी मामलात होते हैं और भी चीज़ों के। तो उन्होंने उस बिहाफ पे उनको बोला कि भाई मुझे अपना भी प्रॉपर टाइम चाहिए बच्चों की फ्यूचर के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, जाहिर सी बात है। तो वो उनके लिए उन्होंने एक फ़ाइनल डिसीजन लिया कि भाई यहाँ तो वो जॉब करें, सही है कि जॉब के बाद जब उनको छुट्टी हो तो कुछ टाइम हमारे पास स्पेंड करें, कुछ अपनी वाइफ के पास स्पेंड करें। तो उसमें ये चीज़ें सारी जितनी भी सितारा सिस्टर ने अपनी इंक्लूड की, वो इसलिए अपने बिहाफ पे इंक्लूड की कि देखें, काफ़ी हद तक लोग यही सोच रहे थे कि अब दोनों वाइफ्स के साथ वो यहीं कराची में रहेंगे, मगर जैसे मैंने आपको कल भी ये जिक्र किया कि साजिद भाई एक साथ दो वाइफ्स को यहाँ पर रखने में उनको दिक्कत होगी, क्योंकि दूसरी वाइफ की फैमिली सारी पंजाब में है, वो यहाँ पर नहीं रह सकती है, ये वजह है उसकी। कल मैंने थोड़ी सी ये बात की साजिद भाई के हक़ में कि उन्होंने सही किया, अपनी वाइफ को वहाँ पंजाब लेके गए, तो आप सब ने मुझ पर अटैक किया, आप सब ने मुझे बोला कि आप साजिद और दूसर भाभी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप सितारा सिस्टर के सपोर्टर हैं। अरे भाई, मैं साजिद भाई का भी सपोर्टर हूँ, सितारा सिस्टर का भी सपोर्टर हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? साजिद भी उनकी फैमिली का हिस्सा है, ये वक्त की ज़रूरत थी मेरे भाई, ये वक्त की ज़रूरत थी, तभी वो उनको पंजाब छोड़ने के लिए गए। मुझे बताएं, वो दूसरी वाइफ को यहाँ कहाँ रखते? आप मुझे ऑप्शन बता दें चलें, इसमें मैंने कौन सी उनके हक में कोई ऐसी बात की है? मेरे लिए तो सब काबिल एहतराम है ना, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। तो उन्होंने जो कल फैसला किया है सितारा सिस्टर ने, कि अभी मैं अपने शोहर से फुल एंड फाइनल बात करूंगी कि भाई वो अपनी जॉब करें, अपने हिसाब से जो है हमें अपना टाइम प्रोवाइड करें, जिससे मेरे बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो, सारे काम हो, उनका राइट है। उन्होंने बिल्कुल सही किया, वो भी वहाँ पे वाइफ हैं, उनका ही एक अपनी डिमांड होगी। अब इस चीज़ को मैनेज करना, इस चीज़ को आगे लेके जाना किसका काम है? साजिद भाई का काम है, ना मेरा काम है ना आपका काम है। आप मेरे ऊपर अटैक करते हैं कि नहीं उसको आपने ऐसे क्यों बोला, उसको ऐसे करना चाहिए वैसे कर। देखें, बैलेंस करना, दो बीवियों को बैलेंस करना, उनको आगे लेके जाना उनकी लाइफ, वो असल में उनका अख्तियार है। हम सपोर्टर हैं, हम सपोर्टर के हद तक उनसे बात कर सकते हैं ना, तो हम और आप यही बात कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी टॉपिक पे आते हैं, जो दूसरी बात है वो है दिलबर भाई की। आज दिलबर भाई ने वीडियो डाली, उसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन की कि भाई खाला को पिछले रमज़ान में, सही है, आप लोगों ने मुझे आज कमेंट्स किए हैं, वो खाला को पिछले रमज़ान की, फिर मेरे लफ्ज़ आप जो है ना गौर से सुनिएगा, खाला को पिछले रमज़ान में जो उनके अंकल हैं ये हाजी मोहम्मद, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, इन्होंने तशद्दुद किया था, मारा था, और सितारा सिस्टर पुलिस को बुलाने वाली थी। ये किसने बोला है? ये दिलबर भाई ने बोला है। मैं तो उस टाइम पे इनके पास था भी नहीं, ना उस टाइम पे मेरा दिलबर भाई लोगों से या साजिद भाई लोगों से कांटेक्ट था, तो मुझे इस बात का पता होता। आपने मुझे मेंशन किया कमेंट्स के अंदर कि आपने ये बातें
आपको पता थी आपने क्यों नहीं बताई, आपने कल गलत बयानी क्यों की। तो भाई पिछले रमज़ान की बात मुझे नहीं थी पता कि ये क्या मामला है, या सितारा सिस्टर ने दिलबर को क्या बोला है, ये इनके इंटरनल मामलाते हैं। खाला है दिलबर भाई की सितारा, समझ रहे हैं बात को। तो ज़ाहिर है खाला भांजे में जो बात होगी वो मुझे नहीं आगे बताएंगे, मैं उनका दोस्त हूँ, वो मेरी बहन है, उनके घरों में मेरा एक फैमिली फैमिली टर्म्स वाला हिसाब किताब है, कभी कभार जाने वाला हिसाब किताब है। तो इंटरनल इतने जो अंदर के मामलात होते हैं मुझे उनकी बारीकियों का नहीं पता होता। दिलबर भाई ने बोल दिया, ठीक है जी, वो उनकी अपनी राय है, सही बात है, तो मैं उसकी राय का एहतराम करता हूँ। क्या मामलात हैं वो आपने आज दिलबर की वीडियो में देख लिया कि दिलबर भाई ने बोला कि भाई ये मामलात हैं और ये हुए हैं। अगर वो बोल रहे हैं और उनको सितारा सिस्टर ने डिस्कस किया है तो ये बेहतर है। जो आप कुछ कमेंट्स में मुझे बोल रहे हैं कि आपको पता ही नहीं था, उन्होंने तशद्दुद किया है, अभी का देखें, अभी तक सितारा सिस्टर ने किसी भी फैमिली मेंबर ने ये बात कन्विंस नहीं की है कि उनको मारा है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस मरतबा भी आंटी के ऊपर तशद्दुद किया गया है या उनके ऊपर सख्ती की गई है। ये कहाँ पर किसने बोला है ये मुझे आप मुझे बताएं। किसी ने भी नहीं बोला कि इस मरतबा तशद्दुद हुआ है। मैं आपसे कल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो 4 घंटे उनको एयरपोर्ट पर रोका है, ये बात सितारा सिस्टर ने भी बोली है। उनसे पासपोर्ट का इशू था, उनसे पूछताछ की गई है, उस 4 घंटे के अंदर उनके टांग में तकलीफ थी, वो बढ़ गई काफ़ी, वो उन्होंने बाहर एयरपोर्ट से निकल के भी क्लियर किया सारे मामलात को, ये चीज़ थी। फिर वो उसके बाद रोज़े रसूल पे गए, उसके बाद जो बातें गर्दिश कर रही हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे आ रही हैं, हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं पता। जो हमें अथेंटिक तस्दीक की है वो दिलबर भाई ने अभी यही बताया है कि अभी के मामलात का नहीं पता है, वो पिछले साल की उसने बात बताई है दिलबर भाई ने, ठीक है जी। तो आप मुझ पे ये अटैक करना शुरू हो गए कि आपको पता नहीं इस साल ये जो अभी 2-4 दिन में जो वाकयात हुए उसी में तशद्दुद हुआ, ये हुआ है। तो भाई देखें, जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पिछले साल वाली बात आज हुई है, आज के ब्लॉग में दिलबर भाई ने कहा है, तो मैं उस बात से इनकार नहीं कर सकता। उनका फैमिली का इंटरनल मसला है, उन्होंने अपनी खाला ने उनसे डिस्कस किया है नहीं किया है मुझे इस बात की भी तस्दीक नहीं है। दिलबर भाई ने बोला है वो बेहतर जानते हैं और वही एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने ब्लॉग में, बहुत अच्छी बात है। इसमें से खुद फैसला करें कि क्या गलत है क्या सही है, आप भी डेली बेसिस पे देखने वाले हैं। मेरा काम इतना सा होता है कि देखिए, मैं इनके साथ उठता बैठता हूँ, दिलबर मेरा बहुत ही अच्छा भाइयों की तरह दोस्त है, बाबर बहुत अच्छा दोस्त है, और सितारा सिस्टर लोगों के घर में भी आना जाना होता है, मगर काफ़ी टाइम के बाद, ऐसे नहीं कि रेगुलर बेसिस पे, महीने में 1-2 दफ़ा या इस तरह जो भी होता है वो जाना जाना होता है। तो अभी जो ये चीज़ें हैं वो आपके सामने हम रख लेते हैं, इसमें आप ही हमें शामिल कर देते हैं कि भाई आपकी सपोर्ट होती है कि आप हमें इनके बारे में बताया करें चीज़ें। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि आप इनसे कनेक्टेड हैं, असल हकीकत क्या है, क्या मामलात हैं, तो वो हम हकीकत आप तक पहुंचाते हैं। अब इसमें अगर कहीं थोड़ी सी बात डिफरेंट हो जाती है तो आप एकदम से आके हमें बोलते हैं कि भाई आपने तो बात गलत कर दी थी। भाई देखें, बात गलत नहीं की थी, बात जो अंदर की होती है बिल्कुल घर के अंदर की बात होती है, बाज़ मरतबा हमें उन चीज़ों का नहीं होता है पता, ठीक है। तो ये बातें होती हैं कुछ समझदारी वाली के बंदा उनसे जब तक अंदर से जब तक उनको वेरिफिकेशन नहीं होती है उन बातों की, तब तक हम बोल नहीं सकते, उनको कर नहीं सकते हैं। तो मैं अभी भी आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जो करंट मामला आते हैं मुझे उनके बारे में पता है, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आगे के मामला का मुझे नहीं पता। इंशाल्लाह अभी आने वाले दिनों में, चंद दिनों में मज़ीद और जो भी बातें होंगी वो सब आपको पता चलेंगी इस ब्लॉग्स के अंदर। अभी सितारा सिस्टर का भी ब्लॉग आएगा और दूसरे भी आएंगे, उनमें स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ों का पता चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आज की बात मेरी क्लियर हो चुकी होगी। मेरे ऊपर जितने लोगों ने आपने सबने जो इल्ज़ाम लगाए होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है आप सबसे, आप सब एजुकेटेड लोग हैं, सब समझदार हैं, वो क्लियर हो चुके होंगे कि भाई मेरी तरफ़ से आप इतनी वो नहीं किया करें कि भाई आपने इस तरह बोला था बस वैसा ही हो गया, ऐसे ही हो गया। तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने मेरी आज की बात से थोड़ा सा इत्तफाक़ भी किया होगा, थोड़ा सा सोचा भी होगा, और कल इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग में, नई वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। ज़िंदगी बखैर, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।